ठीक है शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिखाया गया ये अपने ब्रह्मांड का दृश्य। हमारे ब्रह्मांड में अनेक तारे होते हैं जिसमें से कुछ तारे छोटे होते हैं, कुछ बड़े तारे होते हैं, कुछ चमकीले होते हैं तो कुछ कम चमकीले होते हैं। जब बड़े तारे टूटते हैं तो छोटे तारों का निर्माण होता है। यहाँ पे आपको एक बड़े तारे टूटने का दृश्य दिखाया गया है। यह है हमारा सूर्य। सूर्य में 98% द्रव्यमान होता है जिसके कारण सभी ग्रहों को ऊष्मा और ऊर्जा मिलती है। और सूर्य में हर पल हर सेकंड अनेक विस्फोट होते रहते हैं। सूर्य में विस्फोट के दौरान कुछ इस तरह से कलाएं बनती हैं जो आप देख रहे हैं। और यह दृश्य है सूर्य में होने वाला एक विस्फोट का। जैसा कि आप लोग जानते होंगे सूर्य के चारों ओर अनेक ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो ग्रहों की श्रेणी में सबसे पहले आता है मरकरी जिसको बुध के नाम से जानते हैं। इसकी सूर्य से दूरी लगभग 4,80,00,000 किलोमीटर। उसके बाद आता है वीनस या शुक्र, इसकी सूर्य से दूरी है 11,00,000 किलोमीटर। विनस में और मरकरी में दोनों में भी चंद्रमा की तरह कलाएं बनती हुई प्रदर्शित होती है। और उसके बाद आती है तीसरे नंबर पर हमारी अर्थ पृथ्वी। पृथ्वी पे जो आप नीला भाग देख रहे हैं वो जल है और बाकी का जो भूभाग है यहाँ पे जीवन संभव है। ग्रहों की श्रेणी में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जल और जीवन है। और उसके बाद आता है मंगल या मार्स। मंगल भी सूर्य की तरह अनेक कलाएं बनती हुई प्रदर्शित करता है। ये देख रहे हैं आप मंगल की कलाएं। मंगल की सतह को जब पहली बार पृथ्वी से देखा गया था तो इसकी सतह लाल थी, इसे रेड प्लैनेट अथवा लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद आता है अपने ब्रह्मांड का सबसे विशाल ग्रह जुपिटर या बृहस्पति। इसका आकार इतना विशाल है कि इसमें पृथ्वी जैसे 1,300 ग्रह आसानी से समा सकते हैं। और उसके बाद आता है सैटर्न या शनि। इससे पहले प्लूटो आता था जो आकार में छोटा होने के कारण ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है। और यह है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसका परिक्रमा काल होता है 28 दिन का। 28 दिन के अंदर जो अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक हम कलाएं बनती हुई देखते हैं, उसमें से कुछ कलाएं दिखाई गई आपको, एक बार बढ़ते क्रम में और दूसरी बार घटते क्रम में। और ये वो दृश्य है जब मानव ने पहली बार चंद्रमा के धरातल पर कदम रखा था जिसका नाम था नील आर्मस्ट्रांग 1969 में। अभी आप तारे और उनसे बनते कुछ कॉन्स्टेलेशंस देखेंगे। यहाँ पे देखिए आपको डोम के अंदर एक लेजर पॉइंट दिखाई दे रही है, दिख रही है सभी को? इसके अंदर देखिए आपको एक व्हाइट सा गोला नजर आ रहा है। ये है हमारा सूर्य। शाम का वो समय जब ना ही पूरी रात हो और ना ही दिन हो, जिसे अपन कहते हैं गोधूलिक वेला। गोधूलिक वेला के समय में सूर्य आपको इस तरह से हल्का दिखाई देता है। इसी के साथ ही आपको अनेक छोटे छोटे तारे भी दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। अभी आप देखेंगे सूर्यास्त होता हुआ। आप देख रहे हैं सूर्य नीचे की तरफ ढल रहा है, मतलब सनसेट हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है। तो अभी आपने देखा सूर्यास्त हो चुका है, लेकिन सूर्यास्त के बाद भी आपको तारे जो है साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारे शहरों की समस्या है। शहरों में जो है वातावरण में लाइट पोल्यूशन अधिक होने के कारण हम तारों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। चलिए हम आपको ऐसे स्थान पर ले जाते हैं जहाँ पे आपको तारे स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अभी आप देख रहे हैं आपको तारे जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। यह है एक गांव का दृश्य। गांव में जो है रात्रि के समय में वातावरण में लाइट पोल्यूशन नहीं होता है, इस कारण से हम तारों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन गांव में भी एक समस्या होती है कि हमें दिशाओं का ज्ञान नहीं होता है, कौन सी दिशा किस तरफ होती है हम नहीं जानते। तो अगर आपको गांव में दिशाओं का ज्ञान करना है तो सबसे पहले ढूंढना होता है ध्रुव तारे को। ध्रुव तारे को ढूंढने के पश्चात हमें दिशाओं का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि ध्रुव तारे की दो विशेषताएं होती है। पहली विशेषता ये होती है कि वो उत्तर दिशा में रहता है और दूसरी विशेषता ये होती है कि वो रात्रि के समय में अपनी जगह नहीं बदलता। तो यहाँ पे आपको अनेक छोटे बड़े रंगीन तारे दिखाई दे रहे हैं, इसमें से ध्रुव तारा कौन सा है? तो ध्रुव तारे को ढूंढने के लिए मैं आपको दो आसान से तरीके बताता हूँ, उसके माध्यम से आप ध्रुव तारे को ढूंढ सकते हैं। पहला तरीका होता है कैशियोपिया और दूसरा तरीका होता है सप्तर्षि मंडल। यहाँ पे देखिए आपको तारों के माध्यम से एक डब्लू बनता हुआ दिखाई दे रहा है, पांच तारों से दिख रहा है सभी को। इस डब्लू का नाम है कैशियोपिया, इसके माध्यम से आप ध्रुव तारे को ढूंढ सकते हैं। इसका जो आप मध्य तारा देख रहे हैं इसको इकाई मानते हुए आपको ऊपर की तरफ बढ़ना है और यहाँ से आपको पांच तारे काउंट करने हैं। जो पांचवा तारा मिलेगा वो होगा ध्रुव तारा। चलिए यहाँ से अपन काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये है ध्रुव तारा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पोल स्टार। और ध्रुव तारे को ढूंढने का दूसरा तरीका है सप्तर्षि मंडल। यहाँ पे आप ऊपर की तरफ देखिए आपको सात तारों के माध्यम से क्वेश्चन मार्क बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उल्टा चम्मच।
इसमें सात तारे होते हैं, आप चाहे तो काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। यह है सप्तऋषि मंडल, जिसे ऊर्जा महेश्वर के नाम से भी जानते हैं। इसके माध्यम से अपन ध्रुव तारे को ढूंढ सकते हैं। कैसे? देखिए, जो ऊपर के दो तारे दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ से इकाई मानते हैं, आपको नीचे की तरफ पढ़ने, और यहाँ से भी आपको काउंट करने होंगे 5 स्टार। जो पांचवा तारा मिलेगा वो होगा ध्रुव तारा, 1, 2, 3, 4 and 5। तो ये हो गया अपना ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा वाली कौन सी दिशा हुई? उत्तर दिशा। और इसके सामने दक्षिण दिशा, जहाँ पे सूर्यास्त होता है वो पश्चिम, और सूर्य उदय होता है वो पूर्व दिशा। दिशाओं के ज्ञान के बाद आप देखेंगे तारों से बनते हुए कुछ समूह, जिसको पांचवें बोलते हैं, और कुछ राशि समूह। यहाँ पे देखिए आपको एक लाल तारा दिखाई दे रहा है, और इसके सीधे नीचे की तरफ आइए, यहाँ पे आपको एक नीला तारा दिखाई दे रहा है। ये लाल तारा और नीले तारे के बीच में जो गोल आकृति बनती है, इसे ओरायन कहते हैं। ओरायन को हिंदी में कहते हैं काल पुरुष, और ओरायन को इसके बेल्ट से पहचाना जाता है। ये जो आपको तीन तारे दिखाई दे रहे हैं, ये है ओरायन का बेल्ट। ओरायन के इस लाल तारे का नाम है बेटल ज्यूस, जिसे हिंदी में आद्रा कहते हैं, और इस नीले तारे का नाम है राइजल, जिसे हिंदी में राजन कहते हैं। ओरायन के पास में देखिए, यहाँ पे आपको एक छोटे से खंजर की आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है, ये है ओरायन का खंजर। और ओरायन के ठीक आगे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको 6 तारों के माध्यम से एक धनुष का शेप भी बनता हुआ दिखाई देगा, ये है ओरायन का धनुष। ओरायन देखने के बाद आप ओरायन के बिल्कुल पास में देखिए, 6 तारों के माध्यम से आपको एक सर्कल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका नाम है कैनिस मेजर, और कैनिस मेजर के अंदर जो आपको तारा दिखाई दे रहा है, ये अपने ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है और सबसे चमकीला तारा है, जिसका नाम है साइरस स्टार। जहां पे आपने सूर्यास्त होते हुए देखा था, उसके ठीक ऊपर की तरफ देखिए तो आपको यहाँ पे एक इंग्लिश का वी शेप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, दिख रहा है सभी को? ये है टॉरस या वृषभ राशि, जो सूर्यास्त के बाद ही दिखाई देनी शुरू हो जाती है। इस वृषभ राशि के बिल्कुल पास में देखेंगे तो तारों के माध्यम से एक छोटा सा ग्रुप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 7 तारों के माध्यम से। ये जो आपने सप्तऋषि मंडल देखे थे, ये है उनकी पत्नियों का समूह, जो टॉरस राशि के बिल्कुल पास में होता है। जहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक डब्ल्यू देखा था, यहाँ भी देख रहे हैं, इसके बिल्कुल सामने देखिए तो आपको एक बिच्छू की आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है। ये बिच्छू का आगे का टेटल, ये बीच की बॉडी, और ये पीछे का डंक, ये है स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि। समय के साथ ही आप देख रहे हैं तारे अपनी स्थिति बदल रहे हैं, मतलब रात्रि का समय बीत रहा है। जैसे ही आप देखेंगे मध्य रात्रि काल के समय में आपको दो राशियां एक साथ दिखेगी, वो है कर्क राशि और मिथुन राशि। यहाँ पे देखिए इंग्लिश का ऐसे बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये है जेमिनी या मिथुन राशि। जेमिनी के दो मुख्य तारों को अलग अलग नामों से पहचाना जाता है, जिसमें से एक का नाम है पोलेक्स और एक का नाम है कैस्टर। जेमिनी के बिल्कुल पास में देखिए, यहाँ पे आपको 4 तारों के माध्यम से एक आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है, 1, 2, 3 and 4। ये है कैंसर या कर्क राशि, ये बिल्कुल बारीक होती है, इसलिए हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है। जैसे ही आप देखेंगे मध्य रात्रि काल का समय बीतता है, तो उस टाइम आप आसमान के मध्य में देखेंगे, जो जमीन के बिल्कुल ऊपर की तरफ होगी, एक शेर बैठे हुए, शेर का मुंह तारों के माध्यम से बनता है। यहाँ पे देखिए, ये जो दो आगे के तारे हैं, ये शेर के पंजे हैं, उसका खुला मुंह, ये ऊपर के कान, और ये पीछे की बॉडी, ये है लियो या सिंह राशि। वैसे मैंने आपको बताया था ध्रुव तारे की जो दूसरी विशेषता है, वो रात्रि के समय में अपनी जगह नहीं बदलता था। आप ध्रुव तारे की तरफ देखिए, वो अपनी जगह पर है, बाकी वाले तारे जो है अपनी स्थिति बदल रहे हैं। और आप ब्रह्मांड में ओरायन देख रहे थे, ओरायन का अंत हो चुका है। जैसे ही ओरायन का अंत होता है तो आसमान में एक नई राशि उदय होती है। दक्षिण दिशा की तरफ देखिए, यहाँ पे आपको एक इंग्लिश का एम शेप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर एक छोटा सा लाल तारा भी दिखाई दे रहा है, इसका नाम है एंटोरियस। और एंटोरियस के ठीक नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल के शेप में एक राशि बनती हुई दिखाई दे रही है, त्रिभुज के आकार में, यह है कैप्रिकॉन या मकर राशि। मकर राशि सूर्योदय से कुछ ही समय पहले बनती है, जो सूर्योदय के साथ ही दिखाई देनी समाप्त हो जाती है। इसके ठीक नीचे देखिए, यहाँ पे आपको एक नेकलेस भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है 9 तारों के माध्यम से, इसका नाम है करुणा एस्ट्रोलाइस। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कुल राशियां होती है 12, लेकिन एक रात में आपको सिर्फ 6 राशियां दिखाई देती है, क्योंकि 6 राशियां जो होती है वो दिन के समय में बनती है। लेकिन दिन में बनने वाली राशियां भी अपन सूर्य के प्रकाश के कारण नहीं देख पाते हैं। रात में बनने वाली राशियां जो मैंने अभी आपको बताई,
ये जो सारा आसमान और राशियां थी ये अगस्त महीने का आसमान था। अगस्त महीने में अगर रात्रि के समय में आप राशियां देखेंगे, तारे देखेंगे, तो आसमान की स्थिति ठीक इसी प्रकार से होगी। जहाँ पे आपने सूर्यास्त होते हुए देखा था वो थी पश्चिम दिशा। अभी आप पूर्व दिशा की ओर देखेंगे, सूर्य उदय होता होगा। यात्रा यहीं पे समाप्त होती है। इसी के साथ गुड मॉर्निंग। यस बोलो।